5.4 एक्सरसाइज पे जो है वो हम आ गए हैं। तो 5.4 एक्सरसाइज जी, अब 5.4 देखते हैं, आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है 5.4 एक्सरसाइज पे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर, हमारे पास एक स्क्वायर है उसका एरिया हमें दिया हुआ है 3.996 मीटर स्क्वायर और हमने फाइंड करनी है इसकी लेंथ। तो बेटा सिंपल, हमें क्या दिया हुआ है, एरिया एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल है आपके पास कितना जी, 73.96 आपके पास मीटर स्क्वायर, ठीक है, मीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर आपको दे दिया, आपने क्या फाइंड करनी है, लेंथ बेटा आपने फाइंड करनी है। तो सिंपल आपने क्या करना है, इसका अंडर रूट लेना है स्क्वायर का। अगर हमारे पास एरिया मौजूद हो और हमें लेंथ फाइंड करनी हो तो उसका सिंपल हमने अंडर रूट ले लेना होगा, ठीक है। हम बाय डिवीजन मेथड ले रहे हैं, एक बेटा पैर ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा, ठीक है। सिंपल आपने यहाँ 73 है तो 5 5 टाइम्स 25, 6 6 टाइम्स 36, 7 7 टाइम्स आपके पास जो है वो 49 था, और 8 जो है ना आपके पास आ जाएगा 8 8 टाइम्स 64, ठीक है, 9 टाइम्स तो बढ़ जाएगा 81 हो जाएगा, ठीक है। तो हम आते हैं यहाँ कैरी आएगा 13 बनेगा, 13 में से हम जो है वो 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल हमारे पास 9, अगर हमारे पास पॉइंट है पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा और पेयर जो है वो नीचे आ जाएगा 996, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर 8 है तो 8 जो है वो डबल हो जाएगा, यानी कि 8 8 में प्लस हो जाएगा तो ये 16 बन जाएगा, ठीक है। अब हम 16 को 6 से मल्टीप्लाई करा के देखते हैं, मे बी आपके पास एग्जैक्ट आ जाए या उसके करीब क्लीन आ जाए। 6 6 टाइम्स 36 6 ठीक है, 6 6 टाइम्स 36 6 प्लस 36 प्लस 3 9 39 ठीक है 6 1 टाइम 6 जी बेटा 6 टाइम जब हमने किया तो ये आपके पास 996 आ गया, आपके पास आंसर आ जाएगा 8.6, ठीक है जी, आपके पास आंसर आ गया। एक क्वेश्चन नंबर 1 5.4 का आपके पास सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखें जी, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, कहता है 3 25 4 सोल्जर्स, हमारे पास 324 सोल्जर्स हैं, क्वाड अपसेट दैट द मेंबर ऑफ क्वाड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सोल्जर इन ईच क्वाड, फाइंड द नंबर ऑफ क्वाड। कहता है कि हमारे पास 325 सोल्जर्स हैं और हर 325 सोल्जर्स की कतारें हैं और हर कतार जो है आपके पास वो इक्वल है नंबर ऑफ सोल्जर्स के। तो हमने बतानी है कि हमारे पास कितनी कतारें जो हैं वो जो है ना सोल्जर्स की मौजूद है हमारे पास। तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले कि 34 क्वाड ऑफ सोल्जर्स, सोल्जर आपने जो क्वेश्चन है वो वहीं से देख के लिखना है, 324 सोल्जर्स है हमारे पास, ठीक है। और हमने जो है अब हमारे पास जी बेटा, अब हमने सिंपल इसको क्या कर लेना है, 324 का अंडर रूट ले, अंडर रूट ले लिया डिवीजन मेथड से, ये रहा 24 एक का पेयर और एक 3 का पेयर। तो बेटा यहाँ 2 2 टाइम्स 4 होता है तो बढ़ जाता है, तो 1 1 टाइम्स 1, 3 में से 1 गए तो हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। और होल पेयर उतार लें तो 24, ठीक है जी, ये 24 आ गया नीचे, ये 1 है ये डबल हो जाएगा, मीन 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो 2 के साथ हम कौन सी वैल्यू लगाएं कि आपके पास जो है वो 224 आ जाए, तो 2 है 2 के साथ 2 लगाएंगे तो नहीं आएगा, हम इसके साथ लगाते हैं जी 7 7 7 टाइम्स 49 9 4 कैरी 7 2 टाइम्स 14 प्लस 4 189, बहुत कम आ रहा है। 2 के साथ 8 लगाते हैं जी, 8 8 टाइम्स 64 4 6 कैरी 8 2 टाइम्स आपके पास 16 प्लस 6 तो 22, तो बेटा आपके पास 8 पुट करने से 224 आ गया जी, आपके पास आ जाएगा 80, ये बेटा आपके पास क्या है, आपका आंसर है, ठीक है जी। अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास क्या कहता है कि द लेंथ ऑफ बाय विच स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है,
648 बी डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। 648 को किस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है जी, 648 हमारे पास जो है, हम आपने क्या करना है कि 648 जो है इसका आपने ले लेना है एल्स, इसका ग्रेजुएशन कर लेंगे। ठीक है, 648 जी, 2, 3 times, 2 times, 2 4 times, फिर 2 पे लेके जाएं 2 1 times, 1 कैरी चला गया, 6 times एंड 2 2 times, अगेन 2 8 times, 2 1 times। ठीक है जी, फिर अगेन 3 आपके पास, 3 1 2 times 6, 2 कैरी चला गया, 7 times, 21, 3 9 times एंड 3 3 times एंड 3 1 times। फैक्टराइजेशन लिखें बेटा, 648 की फैक्टराइजेशन लिखें, फैक्टराइजेशन ये 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 3 multiply by 3 multiply by 3, एक 3 2s हैं और 4 3s हैं जी, लिख लीजिए। ये एक पेयर बन गया बेटा, ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, एक ये पेयर बन गया और एक ये पेयर, तो बेटा आपके पास जो अकेली वैल्यू रहेगी वो 2 है। अगर 2 के साथ एक और 2 होता तो पेयर अगर उसका होता तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाती। तो हम क्या लिखेंगे के 648 मल्टीप्लाई विथ 2 गेट अ, यहाँ दूसरा 2 लिखें, 2 गेट अ परफेक्ट। ठीक है, अगर हम इस पूरी वैल्यू को 648 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास क्या है, द बेस एंड हाइट ऑफ अ ट्रायंगल आर 8 सेंटीमीटर एंड 4.5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज डबल ऑफ द गिवन ट्रायंगल। सबसे पहले हमारे पास बेस है, ठीक है, ये हम लिख लेंगे बेस। बेस हमारे पास कितनी है बेटा, बेस हमारे पास है 8 सेंटीमीटर। हाइट देख लेंगे जी, हाइट हमारे पास क्या है, हाइट हमारे पास है जी 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है जी, अब आपको जो है 4.5 सेंटीमीटर हमारे पास बैठता है। अब हमने जो एरिया ट्राइंगल सबसे पहले निकालेंगे, तो एरिया ट्राइंगल बेटा आपको पास पता होना चाहिए, एरिया ट्राइंगल, ठीक है, एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल होता है 1/2 इंटू लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है जी, लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट जी। तो अब हमारे पास जो है इसको 1/2 लेंथ हमारे पास क्या है जी, मैं विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है जी, तो विड्थ हमारे पास क्या है 8 है, मल्टीप्लाई बाय हाइट क्या है 4.5 है जी। ये मैंने पुट कर दिया, सिंपल इसको मल्टीप्लाई करवाएं, 8 मल्टीप्लाई बाय 4.5 करें तो आपके पास आ जाएगा 36, क्या आ जाएगा 36 टू 1 टाइम्स एंड 18 टाइम्स, आपके पास 36 टू 1 टाइम्स 2, 1 कैरी चला गया, 16 बना तो 8 टाइम्स 16। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 18। ठीक है जी, अब आप उसने अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, हम यहाँ लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, हमारे क्वेश्चन कहता है कि एरिया जो है एरिया स्क्वायर वो ट्रायंगल के एरिया के डबल है। ठीक है, तो मीन अगर हमने एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है, ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करना है तो मीन ट्रायंगल के एरिया से आपने इसको मल्टीप्लाई करवा देना। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल, खुद ही कहा है ना कि आपके पास जो स्क्वायर का एरिया है वो ट्रायंगल के एरिया से डबल है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय आपके पास 18 आ जाएगा, तो 18 मल्टीप्लाई बाय 2 बेटा आपके पास क्या आ जाएगा 36 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब हमने लेंथ फाइंड करनी है, तो लेंथ फाइंड करने का बहुत ही आसान तरीका है कि लेंथ
ठीक है। तो सिंपल आपने जो एरिया ऑफ स्क्वायर आया उसका आपने अंडर रूट ले लें, 36 का आप ले लें स्क्वायर रूट ले लें, ठीक है। स्क्वायर रूट क्या पता है आपको, ये 36 है और इसका एक ही पेयर बना है, तो एक ही पेयर बना है तो आपको पता है कि सिंपल आपने टेबल पढ़ना है, 2 2 टाइम्स 4 5, ठीक है। 5 पे जाते हैं जी, 5 5 टाइम्स 25 और 6 6 टाइम्स आपके पास 36, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द नंबर दैट गिव्स 992.8880 ऑन आफ्टर मल्टीप्लाइंग इटसेल्फ, ठीक है। तो सिंपल हमने क्या करना है, अंडर रूट फाइंड करना है। हमारे पास है 992.8801, ठीक है। क्वेश्चन वाला कैसा है, तो कौन सा ऐसा नंबर है जिसको आपस में मल्टीप्लाई करने से आपके पास ये वैल्यू आ जाए, ठीक है, ये बता, ठीक है, समझ आ गया आपको। अब हम इसका अंडर रूट ले लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि किस वैल्यू को आप अपनी ही वैल्यू से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये वैल्यू आई है। तो पेयर बनाए 0 और 1 का, 8 8 का, यहाँ दरम्यान में पॉइंट है, तो 9 और 2 का और एक 9 सिंगल रह गया, तो 2 2 टाइम्स 4 एंड 3 3 टाइम्स आपके पास 9, तो ये हमारे पास एग्जैक्ट आ गया, सॉरी बेटा यहाँ 9 है, ठीक है जी, 9 आ गया, तो ये 92, रिमाइंडर तो हमारे पास 0 हो गया था यहाँ पर, ठीक है। तो 92 ये 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, 6 6 हो जाएगा। अब ये हमारे पास क्या आ गया, 6 आ गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं जी, 6 के साथ हम अगर 2 टाइम्स लगाते हैं, ठीक है, 6 के साथ हम 2 लगाते हैं बेटा यहाँ पर, तो ये 62 टाइम्स 100 से अबव हो जाएगा, तो हमें तो 100 से कम चाहिए, तो यहाँ हम 1 ही जो है ना पुट करेंगे और यहाँ 61 आएगा, ठीक है जी। इसको आप जो है वो करें, माइनस करें 92 में से 61 को, वहाँ से कैरी किया 12 बना, 12 में से 1 गए, यहाँ से बेटा कैरी किया ना 12 बन जाएगा, ठीक है। 12 बनेगा तो आपके पास नहीं है पीछे बचेगा, सॉरी 12 क्यों बनेगा, नीचे हमारे पास 1 है, 2 नहीं है, तो 2 में से 1 गए तो 1, 9 में से 6 गए तो आपके पास 31, ठीक है बेटा, 31 आ गया। अब हमारे पास आगे पॉइंट आ गया, तो पॉइंट ऊपर चला जाएगा और पेयर नीचे, और यहाँ पर आपके पास बन जाएगा लास्ट वाली वैल्यू जो है वो ऐड हो जाएगी इसी में, तो 61 में 1 ऐड करेंगे तो 62। अब हमारे पास यहाँ पर 31 3188 है और यहाँ 62 है, तो हम जो है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा के देखते हैं, 3 के साथ नहीं 4 के साथ, ठीक है जी। 4 4 टाइम्स 16 6 1 कैरी 4 2 टाइम्स 8 प्लस 9 1 प्लस 1 कैरी 9 6 4 टाइम्स 24, तो ये बड़ा कम आ रहा है, तो हम ऐसा करते हैं कि 5 के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 6 25 5 5 टाइम्स 25 5 कैरी 5 टू 10 एंड प्लस 2 12 1 कैरी 6 5 टाइम्स 6 5 टाइम्स आपके पास 6 5 10 30 30 प्लस 1 तो 31, तो बेटा ये 31 25 आ गया, तो ये भी करीब तरीन है, 5 5 टाइम्स 25 5 2 टाइम्स 12 5 टू 10 प्लस 2 12 1 कैरी 5 30 एंड 30 प्लस, तो बेटा आपके पास हम 5 से जो है वो करेंगे, जब 6 के साथ करेंगे तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो 3 1 2 5 आ गया बेटा। अब इसमें से हम माइनस करेंगे, 8 में से 5 गए 3, 8 में से 2 गए 6, ठीक है जी, और ये हम पेयर करेंगे 0 1, ठीक है जी। अब हम हमारे पास यहाँ क्या बनेगा, 6, अब 625 में प्लस 5 करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 630, इस पूरी वैल्यू में ये वाला 5 प्लस हो जाएगा, ठीक है, 630 बन जाएगा। अब हमारे पास 630 है, इसको रेज कर देते हैं जी, 630 है आपके पास, 630 63, तो बेटा अगर गौर से देखें यहाँ पर भी 630 है यहाँ पर, तो यहाँ जस्ट 1 पुट करेंगे तो ये आपके पास 6301 आ, ठीक है। तो अब हम यहाँ हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 0, ठीक है, आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 31.51 60। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं आपके पास, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि द एरिया ऑफ अ सर्कुलर स्विमिंग पूल इज 154